करके प्राण त्याग दिए। माताएं विलाप करने लगी, शोक हो गया, अवध में हल्ला हो गया, घर घर लोग परेशान हो गए, कैकई को गाली देने लगे, न कैकई राम को वनवास भेजती, न आज महाराज दशरथ के प्राण जाते। ये पूरा का पूरा दोष ना कैकई का है, जो महाराज दशरथ जी के प्राण गए। सब कैकई को गाली देने लगे। भरत जी को बुलाया गया, अंत्येष्टि क्रिया हुई। भरत जी सबसे पहले आए तो अपनी माँ के पास पहुंचे, कैकई के पास। माँ कैकई तो बड़ी प्रसन्न थी, सद्धज करके उसने आरती तैयार की, हमारा बेटा आ रहा। आरती सजाई पर भरत के मन में विचित्र दशा है। आज लोग जिस दृष्टि से देखते थे भरत को, उस दृष्टि से नहीं देख रहे अवधवासी। पूरा अयोध्या मानो भूतों का नगर हो गया हो ऐसा लग रहा भरत जी को। मां आज सुना सुना क्यों लग रहा? पूरी बात कैकई ने बड़े हंसते हुए बोली। भरत को जब पता लगा कि मैं वो अभागा हूं जिनके कारण भगवान राम को, हमारे भैया को बन जाना पड़ा, चिघार पड़े भरत जी। क्या बोले, मंथरा की भी पिटाई हुई पर मां को क्या बोले? मां को ऐसे शब्द बोले भरत जी ने, जीभ नहीं गिर गई तुम्हारी? वरदान मांगते समय तुम्हारी जीभ में कीड़ा नहीं पड़ गए? हमारे प्रभु को, हमारे भाई को, वो राम जिन्होंने बचपन में खेल खेल में खुद हार जाते थे, हमें जिता देते थे, उनको वन भेज दिया। महाराज दशरथ की अंत्येष्टि क्रिया हुई, और जैसी अंत्येष्टि क्रिया हुई सबने कहा भरत जी अब तुम राजा बनो। भरत जी फबक करके रो पड़े। महाराज अगर भरत जिस दिन राजा बन जाएगा पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। क्यों? जिसका भाई वन में हो, पिता का शरीर पूर्ण हो गया हो, और मैं राज भोग भोगू, मैं राज्य का सुख भोगू। महाराज अगर ये भरत ऐसा करेगा तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, मुझे राज भोग नहीं भोगना है। गुरुदेव ने खूब समझाया वशिष्ठ जी ने, सुनहुं भरत भाभी प्रबल बिलिख कहो मुनिनाथ, लाभ हान जीवन मरण जस अपयस विधि हान। सुनो भरत, छह चीजें किसी के हाथ में नहीं है, न लाभ न हानि न जीवन न मरण न जस न अपजस, ये सब विधाता के हाथ में है। भरत जी भले ही विधाता के हाथ में, पर गुरुजी लगता है आपकी भी मति गई। वशिष्ठ जी कितने पीढ़ियों के गुरु नहीं है, आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया, पर भरत जी आज बोले लगता है गुरुदेव आपकी भी मति मारी गई। क्या मुझे लगता है मेरी मां कैकई के साथ साथ आपकी भी मति मारी गई कि आप भरत को राज गद्दी पर बैठाना चाहते? अगर ये आपका भरत गद्दी पर बैठ गया तो पृथ्वी का क्या होगा? लोग क्या कहेंगे भरत के लिए कि भरत ने राज भोग भोगने के लिए ही ये सब नाटक रचवाया? मैं राज गद्दी पर नहीं बैठूंगा। तो क्या करोगे? भरत जी बोले गुरुदेव मैं चित्रकूट जाऊंगा, जहां राम जी होंगे मैं लाऊंगा, मैं अन्न जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। सब भरत की सराहना करने लगे। गुरुजी भी कहने लगे हां तुम सच कह रहे हो, लगता है हमारा बुढ़ापा आ गया है। भरत पहली बार वशिष्ठ जी ने ऐसे वचन बोले। भरत जी तैयार भए बन जाने के लिए। आपको चलना हो गुरुदेव तो चलो, गुरुजी भी चले, माताएं भी चले। राग तोड़ी, माताएं भी हैं, भरत जी भी गए।
तैयार होकर के वन में राम जी को मनाने चले हैं। लोगों ने कहा रथ से चलो, तो भरत जी ने पूछा राम जी किससे गए थे वन? लोगों ने कहा रथ से और आगे पैदल। तो भरत जी कहते हैं अगर राम जी रथ से गए और मैं भी रथ से जाऊं तो स्वामी और सेवक की बराबरी हो जाएगी, मुझे तो सिर के बल चलना चाहिए। तो भरत जी की उदाहरण सच बोले भैया, भरत जैसा भाई ना हुआ है ना हो सकता। भरत जी अद्भुत भाई है। तीनों माताएं रानियां भरत जी चले। जब भरत चले ना, जैसे ही भरत तमसा किनारे पहुंचे तो निषाद राज को लगा कि ये जो है भगवान के ऊपर चढ़ाई करने जा रहे हैं, पर जब हकीकत जानी तो उन्होंने भी साथ दिया। भरत जी भगवान के पद चिन्ह, जहां बता देते कि भगवान इस पेड़े से भगवान टिके थे, अगर कोई बता दे कि भगवान इस वृक्ष से चलते समय टिके थे तो भरत जी दौड़कर जावे और लिपट जावे, लिपट करके रो पड़े भरत जी कि तू बहुत भाग्यशाली हो भैया जो हमारे प्रभु राम ने तुमको स्पर्श किया। किसी पत्थर पर पता लग जाए कि राम जी ने इस पत्थर पर चरण रखे थे, भरत जी जाकर के पत्थर पर धड़ाम से गिर पड़े और लेकर के हाथों की रज, हाथों से रज लेकर पूरे शरीर में मले उस पत्थर से उठा उठा करके। पहले तो देवता डरे कि अगर भरत जी जाएंगे तो राम जी लौट आएंगे, क्योंकि भरत जी इतना रो रहे थे कि लोगों को लग रहा था कि एक बार राम जी देख भर लें लौट आएंगे। देवताओं को लगा ये जाने ना पाए, अगर चले जाएंगे तो राम जी लौट आएंगे। पर जब देवताओं ने वो आर्तनाद भरत का सुना, चिल्ला करके भरत जी जब रोते हैं हा राम, इस आर्तनाद को सुनकर देवता भी कहने लगे हे भगवान आप भरत का ये रोना नहीं देखा जा रहा, लौट आना। आर्तनाद भरत का, वो आर्तनाद ऐसा करते भरत जी, ऐसे रोते जो देखता वो कहता काश राम जी सुन ले तो लौट आएंगे। प्रयागराज जब भरत जी पहुंचे ना, तो प्रयागराज के महात्मा वहां जितने थे तीर्थराज में, सब तीर्थवासी सोचने लगे और सब कहने लगे क्या हम लोगों ने तपस्या की तो उस तपस्या का फल तो ये था कि हमको राम जी के दर्शन भाई। महात्मा कहते हैं हम लोगों ने तपस्या की ना तो उसका फल है कि हमें राम जी के दर्शन भाई, पर जब राम जी के दर्शन भाई तब हम लोग सोच रहे थे कि राम जी के दर्शन का क्या फल है। तपस्या का फल तो राम जी के दर्शन है, पर राम जी के दर्शन का क्या फल है? तो मुनि बोले आज भरत जी के दर्शन हो गए तो आज पता लगा तपस्या का फल अगर राम के दर्शन है तो राम जी के दर्शन का फल भरत जी है। राम जी के दर्शन का फल भरत जी। भरत जी आर्तनाद कर रहे हैं, रो रहे हैं। भरत जी इतना रोए साधु कि पृथ्वी भी संकुचित हो गई। आप सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे, भरत जी की दशा को देख करके रास्ते के पत्थर पिघल जाते।